फ्रेंड, आज हम आपके सामने साबूदाने की खीर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक कटोरी साबूदाना चाहिए जो हमने इसको पहले से ही भिगो कर रखा है, देखिए। और इसमें चाहिए चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये नारियल है, बादाम है, किशमिश है, मगज है, ये मगज है, मखाने हैं और इलायची है ये, और इलायची पाउडर भी है। और दूध लिया है हमने 1 किलो फुल क्रीम का। देखिए अब हम इसको गरम करने रख देंगे। देखिए दूध हमारा फुल उबल चुका है और पक भी चुका है। इसमें हमने अब ये साबुदाना डालेंगे। साबुदाना डाल के खूब चलाते रहेंगे ताकि ये फट न जाए। देखिए इसको चलाते रहेंगे 5 मिनट इसी तरीके से। मीडियम लो पे बनाएंगे। इसमें हमने उबाल आ चुका है, इसमें खूब पका लिया है। अब इसमें हमने मखाने डालेंगे। मखाने हमने तले और उसको पीस लिया और फिर उसमें हमने इसे मिला दी। उसके बाद इसमें हमने ये चीनी आप हल्की और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नारियल, बादाम हमने काट लिए, इसमें आखिर में हमने डालना है इलायची पाउडर। देखिए अब हमारी ये बनकर तैयार हो चुकी। देखिए ये हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से बना के देखिए और देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।